नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। एक घटना सामने आई है दिल को दहला देने वाली। आए दिन हमारे देश में बच्ची को लेकर, लड़कियों को लेकर, औरतों को लेकर नए मामले आते रहते हैं। ये मामले देश में थमने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आए दिन हमें कोई ना कोई दर्दनाक घटना देखने को मिलती है। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पानीपत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला पानीपत की एक कॉलोनी से मंगलवार देर रात को सामने आया है, जहां एक पड़ोसी द्वारा गंदी करतूत को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पड़ोसी ने घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची को उठाया और अपने घर ले गया, जिसके बाद पड़ोसी ने न सिर्फ गंदी करतूत करने का प्रयास किया बल्कि उसकी गर्दन पर तेज धार हथियार से हमला भी किया। जैसे ही गुम हुई बच्ची की तलाश शुरू हुई तो बच्ची को पड़ोसी के बेहोशी की हालत में खून से लथपथ अवस्था में पाया गया। इसके बाद आनन फानन में बच्ची के परिजनों ने खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। फिलहाल बच्ची बेहोश की अवस्था में है, तो वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आरोपी मौके से फरार। जी हां, मॉडल टाउन थाना SHO महिपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की हालत स्वस्थ है। बच्ची की मां की शिकायत पर हमने मामला दर्ज कर लिया है। जल्दी मामले की जांच कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आरोपी पड़ोसी मौके से फरार है। परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वैसे क्या लगता है आपको कि इस आरोपी को कौन सी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें।